हेलो है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह की आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने जो दो वीडियो लास्ट वीडियो बनाए थे वो कनेक्टिंग फ्लाइट के बारे में मैंने बताया था, तो फुल प्रोसीजर बताया था, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं और वो टॉपिक क्या हैं और उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। खासकर ये वीडियो मैं इसके ही लिए बनाया हूँ, आपको फुल इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ। तो इसमें मेरे जो दो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक मेरा जो पहला टॉपिक है दोस्तों बोर्डिंग पास को लेकर है, कि आप जिस समय, जैसे आपकी फ्लाइट जो है दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से आपकी चेन्नई है, जो आपका जो ले ओवर है आपको बॉम्बे में है, तो इसमें क्या रहेगा, आपका जो एक ही बोर्डिंग पास काम कर जाएगा या फिर आपको दो बोर्डिंग पास लेने हैं। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि दोस्तों, जैसे कि आप अगर आपने कनेक्टिंग फ्लाइट से पहले ट्रैवल किया है तो आपको पता ही होगा, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो सबसे पहले मैं इसमें ये क्लियर करूंगा, जिस समय आप ट्रैवल करेंगे, जैसे आपका दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, तो आपको जिस समय बोर्डिंग पास, आपको वो दिल्ली से बॉम्बे वाला जो फर्स्ट आपका जो बोर्डिंग पास रहेगा दिल्ली से बॉम्बे, और सेकंड बोर्डिंग पास रहेगा आपका बॉम्बे से चेन्नई, तो आपको फर्स्ट टाइम में आपको दो बोर्डिंग पास दे दिए जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पे ही ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले आपको दो बोर्डिंग पास मिल जाएंगे। तो ये मैंने इसमें क्लियर कर दिया कि आपको बोर्डिंग पास दो लेने हैं और दो बोर्डिंग पास आपको वहीं मिल जाएंगे जिस समय आप ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको दो बोर्डिंग पास मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मेरा सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक क्या है, बैगेज को लेकर। कि उन वीडियो जो दो लास्ट वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है बैग के बारे में, क्योंकि बैग का डाउट बहुत सारे लोगों को रहता है कि हमारा जो बैगेज है वो हमें कहाँ मिलेगा, जैसे कि हमारा दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, तो इसमें जैसे हम अपना जो बैगेज है वो हमें बॉम्बे मिल सकता है कि नहीं, तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स होता है। और मैंने बताया ही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, तो खासकर ये वीडियो उन्हीं के लिए खास है जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और कनेक्टिंग फ्लाइट से कर रहे हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो आपका बैगेज रहेगा वो आपको अगर चेकिंग बैगेज है तो सीधा आपको चेन्नई मिलेगा, बॉम्बे नहीं मिलेगा। जहाँ आपका लेओवर टाइम है तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान है, जैसे आपकी अगर इंडिगो की फ्लाइट जैसे दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई है, अगर वही सेम फ्लाइट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका जो बैगेज है उसी में रहेगा और वहीं पर रहेगा। जैसे कि अगर वहाँ से आपकी कनेक्ट फ्लाइट जैसे इंडिगो की दिल्ली से बॉम्बे, और यहाँ से आपकी जैसे विस्तारा हुआ, स्पाइस जेट हुआ, यहाँ से आपकी अगर फ्लाइट चेंज, तो आपका बैग वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो बैगेज रहेगा आपका फाइनली बैगेज दोस्तों आपको चेन्नई मिलेगा, अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट, अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है जैसे दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, इस प्रकार से आपका जो बैगेज है, जो चेकिंग बैगेज, वो फाइनली दोस्तों आपको चेन्नई मिलेगा, वहाँ ले सकते हैं आप, बॉम्बे में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों आपका जो, आप सोच रहे होंगे कि मुझे बॉम्बे किसी काम से थोड़ा बाहर जाना है आधा घंटा के लिए या लेओवर टाइम, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे आपकी जो, आपका जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, तो सब ध्यान दे लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं वो अपने जो आपका कैबिन बैगेज रहेगा उसमें रख लें, ताकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जो आपको वहाँ पर आपकी चेक इन बैगेज की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वहाँ आपको वो चेक इन बैगेज नहीं मिल सकता है। इसलिए आपका जो भी इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और भी कोई ज़रूरी सामान है, तो आप कैबिन बैग में रख लें। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों, इस प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों मैं इसी में थोड़ा एक और डाउट क्लियर कर रहा हूँ, वो भी लोगों का डाउट था, लेओवर टाइम। लेओवर टाइम में क्या करना है, जैसे कि आप बम्बई में किसी काम से थोड़ा बाहर जाना है आधा घंटा, एक घंटा, लेकिन एक घंटे के लिए, तो आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। तो अगर आपका लेओवर टाइम दो घंटे, डेढ़ घंटे है, तो मैं तो यही गाइड कर रहा हूँ कि आप एयरपोर्ट के बाहर ना जाएं, तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका लेओवर टाइम पाँच घंटे से अधिक है, चार घंटे से अधिक है, तो आप एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हैं सीधी सी बात, तो आपको वहाँ एयरपोर्ट की तरफ से आपको कोई रोकेगा नहीं, एयरलाइंस की तरफ से कोई रोकेगा नहीं, आप जा सकते हैं बाहर। हाँ, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है दोस्तों, फिर अगेन आपकी एंट्री वैसे ही होगी और आपकी चेकिंग वैसे ही होगी जैसे फर्स्ट टाइम हुई थी, इसलिए टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। आपकी फ़्लाइट
मिस बिल्कुल भी ना हो पाए इस तरीके से जाएं, टाइम का विशेष ख्याल रखें। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया, इस तरीके से आप जाएंगे और इसी तरीके से आप आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों आज मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट के बारे में आपके जो डाउट्स थे वो इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। इस तरीके से आप ट्रैवल अपना ट्रैवल सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।